नमस्कार, मैं हूं रचनी। इंडिया वॉइस के स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में आप सभी का स्वागत है। आपकी राय इंडिया वॉइस के लिए बेहद खास है, लिहाजा सोमवार से शनिवार तक अलग अलग मुद्दों पर हम लेकर आते हैं पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के खास सेगमेंट में आज हम आपको दिखाएंगे बस्ती की तस्वीर ग्राउंड जीरो से इंडिया वॉइस पर। इतना विकास यहाँ होना चाहिए, उतना विकास नहीं हो पाया। चुनाव जब आता है तो विकास की बात छोड़ के हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। सरकार तो बिल्कुल एकदम सब झूठ है, टोटल झूठा। गुजरात मॉडल बता करके पूरे देश को इन्होंने लूटा। गड्ढा मुख में गड्ढा युक्त हुआ है। अब तक पुलिस बगैर पैसे की किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इंडिया वॉइस का पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम यूपी और उत्तराखंड के लोगों का फेवरेट प्रोग्राम बन चुका है। लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम में उनके क्षेत्र की भी तस्वीर इंडिया वॉइस पर दिखाई जाए। इंडिया वॉइस आपको यकीन दिलाता है कि हमारी टीम आपके शहर भी जरूर पहुंचेगी और दिखाएगी आपकी राय पब्लिक ओपिनियन में। लेकिन आज के सेगमेंट में बस्ती वासियों की राय दिखाते हैं पब्लिक ओपिनियन में। आप कितना विकास देखते हैं? देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और विकास आज़ादी के बाद से विकास तो हो ही रहा है। आज़ादी के बाद से हो रहा है, लेकिन कितना विकास और जगहों का हुआ, बस्ती का कितना हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से बस्ती जो है अपने उत्तर प्रदेश का एक बहुत पिछड़ा जिला है और जितना विकास यहाँ होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था कैसी है? देखिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। स्वास्थ्य शिक्षा पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लोग परेशान हालत में जिला अस्पताल में घूमते हैं, डॉक्टर समय पर नहीं बैठते, मरीजों का इलाज समुचित रूप से नहीं हो पाता। और पब्लिक आवाम है हमारे साथ। आप बताएं कि बस्ती में कितना विकास आज़ादी के बाद अब तक देखने को मिला है और स्वास्थ्य की और कानून व्यवस्था की क्या हालत? इस सरकार में कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकार तो बिल्कुल एकदम सब झूठ है, टोटल झूठा। विकास के सरकार वादे करती, विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। शिक्षा का स्तर भी नगण्य है, ना तो यहाँ कोई आईटी सेक्टर से कोई विद्यालय है, ना ही जो है मेडिकल कॉलेजेस की कोई सुविधा हो पाई है कि जहाँ बच्चे यहाँ पढ़ लिख करके कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो इस रूप में सरकार यहाँ पर पूरी तरह फेल्योर है। आप बताइए, आप बस्ती के विकास को क्या किस नज़र से देखते हैं कि बस्ती में कितना विकास हुआ? बस्ती का तो कुछ नहीं विकास हुआ अब तक। क्यों आखिर नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण रहा? आप पीछे रखिए इसको थोड़ा सा। ये कारण है कि यहाँ पहले नंबर युवा तो एकदम बेरोजगार घूम रहा है। ठीक, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ वहाँ उनका यही भाषण होता था कि जो जिले का है व्यक्ति आउट ऑफ जिला काम करने नहीं जाएगा, वो जिले में ही काम करेगा। ठीक, न प्रदेश छोड़ के गुजरात जाएगा, न महाराष्ट्र जाएगा। ठीक है, और बेरोजगारी और महिला के ऊपर अत्याचार और जो हो रहे हैं सब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्रसन जा रहा है। आप सर्वे कर लीजिए ना, हम नहीं, मीडिया कुछ, लेकिन चैनल वाले उन्हीं का अब तक भरोसा कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक से आप लोग भी अपने दिमाग को टार के ये पहले सोचिए कि सही है कि गलत, ये आप मत देखिए। यहाँ मुद्दा बनाने से नहीं कुछ होता है। तो आखिर नेताओं, जो बस्ती का विकास नहीं हुआ उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यहाँ के सांसद जी हैं। ठीक, उन्होंने बहुत कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप बताइए, कोई सड़क और ये जो और जो प्रदेश में जो 1 लाख जा कह रहे हैं किलोमीटर मैंने गड्ढा मुक्त किया, गड्ढा मुक्त में गड्ढा युक्त हुआ है अब तक। आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ से आप अभी वाल्टरगंज जाना हो, आप यहीं हरदिया चौराहे से जाइए, आपको पता चल जाएगा कि गड्ढा मुक्त हुआ है कि गड्ढा युक्त हुआ है, जो उनके मंत्री जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग को भी बोलना चाहिए। पब्लिक के कहने से तो पब्लिक तो अगर चाहेगी तो सत्ता परिवर्तन होने पर कुछ तो विकास हो सकता है। क्या मानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या स्थिति है? तो यहाँ तो पहले समाजवादी ने कहा था हम मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं। ठीक, लेकिन अब ये अपना चिल्ला रहे हैं भाई साहब, जहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, सांसद जी कह रहे हैं हमारे प्रस्ताव से आया है। और एंटी रोमियो चला था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इसमें तो बहुत भाई बहन भी पिट गए। ठीक है, अब क्या स्थिति है एंटी रोमियो की? अब सब एकदम ढीले हो गए,
शासन भी ढीला हो गया। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था एकदम लचीला है। आप बताइए कि क्या मानते हैं कानून व्यवस्था जो एंटी रोमियो था और कानून व्यवस्था था कि अपराध कम हो गया यूपी में, क्या मानते हैं कितना बदलाव हुआ? अब आप तो पत्रकार हैं, हम आपको क्या बताएं, लेकिन आप स्वयं महसूस करते होंगे कि जो महिला सुरक्षा के नाम पे ये लोग अपनी सरकार बनाए थे, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इसमें कहने का की जरूरत नहीं है। बस्ती जनपद में 3-3 बलात्कार हुआ बच्चियों के साथ, ये अमानवीय कृत्य, जिसपे एक हाईवे पे अखिलेश सरकार में एक हाईवे पे बलात्कार हुआ था उस पर उनको कितना घेरा गया था और 24 घंटे में सारे के सारे अपराधी सामने आ गए थे। इनकी सरकार में बलात्कार होता है, अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, पुलिस का राज है। जैसे अंग्रेजों के समय में कभी हम लोगों ने सुना था कि पुलिस जिसको चाहती थी उठा के बंद कर देती थी, जिससे चाहती थी पैसा लेकर के छोड़ देती थी। आज वही हाल है, जब नेताओं का राज होता है तो निश्चित तौर पर जनता का भला होता है, जब राजनेताओं को छूट मिलती है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो जनता का भला हो जाता है। जनता किसी न किसी के माध्यम से राजनेताओं के पास पहुंचेगी। नेता कितना भी गिरा हुआ होगा तो उतना सामाजिक होगा कि वो बगैर पैसे की उसकी पैरवी कर देगा। लेकिन आज अगर आप निर्दोष भी पकड़े जाते हैं तो किसी भी MP MLA खुद बेचारे अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो आम आदमी की क्या बात है। और उसके बाद उसमें पुलिस बगैर पैसे की किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और रही बात विकास की, आप विकास के बारे में पूछ रहे हैं, तो विकास के नाम पे आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में सरकार बनाई, लेकिन कष्ट की बात यह है कि गुजरात मॉडल बता करके पूरे देश को इन्होंने लूटा। और जब गुजरात में चुनाव हुआ तो हिंदू मुस्लिम पे आ गए, चुनाव जब आता है तो विकास की बात छोड़ के हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे इसे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने विकास कितना किया, खुद अपने मुंह से बता देते हैं। अगर विकास हुआ होता तो हम विकास की बात करते, विकास के नाम पे आप चुनाव में आते, लेकिन आप तो हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम। अभी आपने देखा कर्नाटक का चुनाव था तो जिन्ना को इन्होंने जिंदा कर दिया, जिन्ना के एकमात्र फोटो के लिए लेकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा बवाल करके हिंदू मुस्लिम का ग्राफ दिया जाता है। गुजरात में चुनाव था तो अहमद पटेल को इतना हाईलाइट कर दिया गया कि अहमद पटेल अगर वहां जीत कांग्रेस की सरकार बनती है तो अहमद पटेल मुख्यमंत्री होंगे, अहमद पटेल मतलब पाकिस्तानी, वाह क्या बात है। अब तो इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि देश की आज़ादी में RSS का गठन हो चुका था सन 1925 में, लेकिन 22 साल उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कहाँ कौन सा योगदान दिया, जरा आप सारे लोग बता दीजिए। लेकर के एक नाम वीर सावरकर का आता है, तो वीर सावरकर जब कांग्रेस के मेंबर थे तब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान दिया था उसी को गिना सकते हैं। रही बात RSS के, हेडगेवार जी आप इस समय बताएंगे नेहरू जी कभी भगत सिंह से मिलने नहीं गए, तो आप बता दीजिए भगत सिंह से मिलने गए, उसकी तो फोटो है ऑथेंटिक वो भी है, लेकिन हेडगेवार जी और इनके जो RSS के बहुत बड़े मुखिया थे वो लोग कहाँ कब गए थे उनसे मिलने, उनका भी तो दायित्व था चंद्रशेखर जी से मिलने का, उनका भी तो दायित्व था भगत सिंह से मिलने का, क्रांतिकारियों से मिलने का, उन्होंने कब चंद्रशेखर आजाद से या क्या नाम है सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को पुराने 70 साल में देश में क्या हुआ उसको बताने में लग गए, 4 साल में हमने क्या किया इसको नहीं बताते हैं, 4 साल में वो बताएं तब आप समझिए विकास हुआ है। आप बताइए आप बस्ती के विकास को कितना किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि जब से यह नई सरकार आई है योगी जी की मोदी जी की, तो बस्ती का कोई विशेष विकास नहीं हो पाया, सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं, चलना दुश्वार हो जाता है, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। यहाँ एक बाबा सच्चिदानंद 3-3 लड़कियों के साथ बलात्कार का आरोपी है, 8-8 महीने हो गए अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह सब बताता है, दिखाता है कि कानून व्यवस्था विकास ध्वस्त हो चुका है। आप बताइए कि बस्ती का विकास आप किस नज़र से देखते हैं और यहाँ शिक्षा का क्या स्तर है और कैसी है शिक्षा? शिक्षा यहाँ पे अच्छी चलती है, लेकिन विद्यालय में जो बड़े बड़े हैं वहाँ चल रहा, आप जहाँ सरकारी देख रहे हैं वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है। अब जैसे देश के बारे में बात करेंगे तो यहाँ तो पानी ही नहीं बरस रहा है, धान वैसे सूखा पड़ जा रहा है कुछ नहीं। युवा हैं आप, तो रोजगार का कितना साधन है बस्ती में? तो रोजगार अब क्या बताएं, रोजगार तो ऐसे पड़े रहते हैं, कटना है साईं मंदिर पे देखिए, कटना देखिए तो ऐसे से 150-200 लोग बेरोजगार खड़े रहते हैं, वैसे खड़े रहते हैं, कोई उनका नहीं मिलता है। वो क्या मानते हैं कि आखिर बेरोजगारी क्यों बस्ती में बढ़ रही है? अब यहाँ जनता बढ़ रही है तो रोजगारी बढ़ेगी भाई।
अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपने हैं। क्या यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है या रोजगार के साधन नहीं है? अब एक ही फैक्ट्री है, वो भी पेपर वाली, और कोई है नहीं। मिल की वो भी बंद हो गई, अब मुंडरोम खुल रहा है। कौन सी मिल बंद हो गई? अब यही लीजिए, वाल्टरगंज लीजिए, चीनी मिल, वो भी बंद हो गया है। किसानों के लिए तो सुविधा भाई कोई नहीं है। तो यहाँ बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर यहाँ की जनता बहुत परेशान है। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताएं कि बस्ती के विकास को किस नज़र से देखते हैं? कोई विकास नहीं हुआ बस्ती में आज तक, इतने साल से सांसद जी हैं, ना रोड का विकास है, ना यहाँ पे रोजगारी की बेरोजगारी की समस्या है वो दूर नहीं हो पा रही है। कोई यहाँ पे उद्योग आज तक नहीं लग पाया है कि यहाँ पे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिल सके। अब तक ये हाल रहा बस्ती का, तो आखिर इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या कह रहे हैं आप, बस्ती की ये उदासीनता का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यहाँ के जो सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, जिनका वर्चस्व रहा है पिछले 5 सालों से, उन्हीं को दोषी मान रहे हैं, और किसी को कौन दोषी मानेगा, आप ही बताइए। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, जो सरकार स्वास्थ्य के दावे कर रही है, शिक्षा के बेहतरी के लिए दावे कर रही है, स्वच्छता के लिए सरकार दावे करती है, उसके क्या हाल है? स्वच्छता में आप जाके देख लीजिए, नाली के किनारे कितने कीड़े बिन बिना रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा कूड़े नहीं उठ पाते हैं यहाँ बड़े बन चौराहे के किनारे। अब स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, नाली नहीं बन पा रही है सही से सड़क के किनारे, स्वच्छता कहाँ से आएगी जब तक नाली नहीं बनेगी? इस पर लोगों को विचार करना चाहिए, नगर पालिका प्रशासन को, और जो भी जिसके जिम्मेदार हैं उनको। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही ध्वस्त हो चुकी है। आप जाइए, आप अगर जो आप इमरजेंसी में चले जाएंगे, आप दिखा नहीं पाएंगे अपने आप को, वहाँ पे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि आप परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे समय से जी। तो क्या मानते हैं कि आखिर बहुत सरकारें आई और गई, बहुत सरकारें आई और चली गई, लेकिन अब तक बस्ती का विकास क्यों नहीं हो पाया? बस्ती का विकास यही माननीयों ने रोक रखा है। बस्ती में पैसे तो आते हैं लेकिन इनके जेब में चले जाते हैं, ये अपने हिसाब से खर्च करते हैं, अपने हिसाब से काम करवाते हैं, इस वजह से बस्ती का विकास रुका हुआ है। आप बगल के अपने जनपद में जाके देख लीजिए, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे ना सुविधा है सड़क के नाम पे, ना बिजली के नाम पे सुविधा है, ना स्वास्थ्य के नाम पे सुविधा है, ना शिक्षा के नाम पे सुविधा है, लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। बस्ती का कहीं अस्थायित्व नहीं बन पा रहा है पूरे भारत देश में। बस्ती एक महान हस्ती मानी जाती थी पूर्वांचल की, जो है इसमें 3 जिले समाहित थे, और बस्ती पुराने समय से अब तक बस्ती बेहाल दिख रही है, और इसमें क्या मानते हैं कि बजट रहता है तो बजट कहाँ चला जाता है? अब बजट मैं आपसे क्या बताऊँ, आप भी जानते होंगे कि बजट आता तो है, बजट तो बहुत पास होता है, करोड़ों करोड़ों रुपए बजट पास हो जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं ये तो एक अनोखा ही है, कहाँ चले जाते हैं, मतलब कि रहस्य है, रहस्य है ये पूरा। तो ये बस्ती की आवाम थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि बस्ती अभी उसी ढर्रे पर चल रही है, आज़ादी के बाद जिस ढर्रे पे थी अभी उसी ढर्रे पे, स्वास्थ्य और शिक्षा और विकास के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पे है बस्ती में, यहाँ फैक्ट्रियों के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा है। अपने सहयोगी बबुंदर यादव के साथ हेमंत सिंह यादव, बस्ती। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। उतना विकास यहाँ होना चाहिए, उतना विकास नहीं हो पाया। चुनाव जब आता है तो विकास की बात छोड़ के हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। सरकार तो बिल्कुल एकदम सब झूठ है, टोटल झूठा।